भाई अब सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, अब बॉलीवुड में भी खेला होने लगा है। कल अचानक पूनम पांडे की एक डेथ न्यूज वायरल हुई जो हर किसी के लिए शॉकिंग थी, और अब पूनम पांडे ने खुद सामने आकर बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने ये सारा खेल रचा, क्यों उन्होंने अपने मरने की खबर फैंस को दी, क्यों उन्हें ये स्टंट करना पड़ा। पूनम ने जो आज सुबह अपनी एक वीडियो वायरल की है उसमें उन्होंने कहा है, मैं जिंदा हूँ, मेरी मौत सर्वाइकल कैंसर की वजह से नहीं हुई है। दुर्भाग्य से मैं ये बात उन लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए नहीं कह सकती जिन्होंने सर्वाइकल कैंसर से अपनी जिंदगी खोई है। ये इसलिए नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि इसलिए कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं आपको ये बताने आई हूँ कि दूसरे कैंसर की तरह सर्विकल कैंसर का बचाव संभव है। बस आपको करना ये है कि सारे टेस्ट करवाने हैं, HPV वैक्सीन लेनी है। हम ये कर सकते हैं और पक्का कर सकते हैं कि सर्विकल कैंसर के चलते और मौतें ना हो। पूनम ने अगले वीडियो में माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि स्टंट का मकसद सिर्फ लोगों में जागरूकता फैलाना था, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। My intention to shock everyone into the conversation that we are not talking enough about, which is cervical cancer. Yes, I faked my demise. Extreme, I know. But suddenly we all are talking about cervical cancer, aren't we? It's a disease that silently takes your life. अब पूनम की इस पोस्ट पर लोग उनकी चमकर आलोचना कर रहे हैं। काफी लोग उनके स्टंट को घटिया बता रहे हैं। एक ने कहा, पूनम यार अब पब्लिक से खाओ गाली। एक अन्य यूजर ने कहा, ये बिल्कुल घटिया मार्केटिंग आइडिया था। और एक ने कहा, ये किसी चीज को प्रमोट करने का सबसे वाहियात तरीका था। बता दें कि इस वक्त पूनम को कमेंट्स में लोग जमकर लताड़ लगा रहे हैं। उनका ये तरीका लोग गलत बता रहे हैं, क्योंकि उनकी मरने की खबर मिलते ही फैंस परेशान थे, हैरान थे। हालांकि कुछ लोग इसे फेक न्यूज भी बता रहे थे, जो कि अब सच साबित हुआ है। पूनम पांडे की इस हरकत को लोग बता रहे हैं कि अगर असलियत में भी ऐसा कुछ होता है तो अब विश्वास कर पाना काफी मुश्किल है। बता दें कि पूनम के इस मजाक से लोगों के दिलों को आहत पहुंची है। I didn't die because of cervical cancer. Unfortunately, I cannot say that about those hundreds and thousands of women who have lost their lives because of cervical cancer. It is not because they couldn't do anything about it, because they had no idea what to do. I'm here to tell you that, unlike other cancers, cervical cancer is preventable. All you have to do is you have to get your tests done and you have to get HPV vaccine. We can do all this and more to make sure there is no more life lost to this disease. Please log on to www.punampandeisalive.com.